तकी हाल चाल आशा है कि आप सभी मस्त और जबरदस्त होंगे। आज जो है वो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो एक साल कहने के लिए एक साल वैसे काम किए हम दो ही महीना, हम लोग दो महीना जो रिसर्च बोले तो एक साल जो रिसर्च किए हैं उसका आज प्रेजेंटेशन है, मतलब एग्जाम है। बाहर से इन्वेस्टिगेटर आएंगे, ठीक है, जो कि साउथ बिहार से हैं। अब ऑनलाइन आएंगे कि ऑफलाइन अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग का तैयारी हो गया है, प्रकाश बाबू अभी तक लगे हुए हैं, 10 बजे का टाइमिंग है, हम थोड़ा सवेरे निकल रहे हैं ताकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहीं प्रैक्टिस कर रहा है। अभी भोरे भोरे उठते बाबा का गाना सुन रहा था, वैसे ही भोरे उठता है तो 4 गो भोजपुरी गाना सुनता है तब इसका नींद खुलता है। आज जो है भोरे भोरे लगाया था, मैया किया रुसल छी कौन सगन बंझारी में, बाप रे बाप, मतलब कि माँ आप क्यों रूठी हुई हैं और कौन से वन में खोई हुई हैं, समझ रहा है। और बाकी ऋषिकेश बाबू भी रात में 1 बजे तक लैब में काम किया है, 1 बजे तक लैब में काम किया है तो बनाया है कि गोला, अब तो जाने के बाद पता चलेगा। बाकी हम जो है अब निकल गए हैं महादेव का नाम लेके, हम तो भाई भगवान भरोसे हमारा काम हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं अपने अगर उसके अपने पथ की ओर और बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं किस तरह का रहता है हम लोग का ग्रुप डिस्कशन नहीं कह सकते हैं, कहते हैं क्या 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 सबका जो रिसर्च है वो क्या क्या चीज़ पे है, वो कैसा रहता है, ठीक है। बाकी देखो इसमें होता है क्या है, जो बाहर से इन्वेजिलेटर आते हैं बाकी जो टीचर के जो ग्रुप होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टूडेंट भी क्वेश्चन, मतलब तुम जो प्रेजेंट किया उसके बारे में तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, आगे से लेके पीछे दाएं से लेके बाएं कुछ हो पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको जो है बारीकी से सारे क्वेश्चन का जवाब देना होता है, अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो उस बेसिस पे मार्क्स होता है, ठीक है। तो चलते हैं, तो यहाँ सौरभ जी भी पहुँच गए एकदम समय से, पूरा डर का माहौल बना हुआ है, अभी 3-4 गो बच्चा आ चुका है, ठीक है, और डर का माहौल बना हुआ है। बाकी सब अपने अपने टीचर के पास घोपचे में होगा, ठीक है, सबको ब्रह्मगान मिल रहा होगा और हमारे सर अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन वो हमको रात में फ़ोन कर दिए थे, सुमित 9 बजे तुम पहुँच जाना, हम जो है 9:30 बजे तक पहुँच जाए। तो हम जो है वो 9 बजे एकदम करेक्ट टाइम जो है 9 बज रहा है, 9 बजे करेक्ट यहाँ पहुँच चुके हैं, बल्कि 10 मिनट पहले ही आए थे। और अब जो है थोड़ा सौरभ बाबू बताएंगे कि क्या क्या पढ़े हैं, कुछ पढ़वो किए हैं कि नहीं पढ़े हैं, इसे जो है क्या कुछ नहीं पढ़े हैं, जो फाइटोकेमिकल्स के बारे में थे मेरा जो प्रेजेंटेशन है, हाँ तो दूसरे का थोड़े बोलेगा, हाँ उसमें जो जो था वही पढ़े हैं। बहुत ही भव्य स्टूडेंट है, जीवन में कुछ करे ना करे कुछ तो कर ही लेगा, कुछ तो कर ही लेंगे कुछ, और जैसा भी है सबका हालत ख़राब है, सब बाप बाप कर रहा है। बाकी एक्सटर्नल जो है वो ऑनलाइन आए हैं, हाँ साउथ बिहार से। प्रकाश बुआ will be active more, yeah, on more.
नहीं पता है शुरुआत ही आपका वही है अंत भी वही से हमारा जो टॉपिक रहेगा सीमेंट के रहेगा देन वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट व्हाट इज सीमेंट हाउ इट इज मेड एंड ऑल अबाउट इन जनरल केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट सो वी ऑल नो कि सीमेंट देयर इज अ कैल्शियम कार्बोनेट सो आवर कोर स्ट्रक्चर इज अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर थिंग्स आर एडजस्टेड विद इट लाइक सिलिका आयरन एल्यूमिनियम एटसेट्रा नाउ यू ऑल हैव हर्ड पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता क्या है जनरली इसका नाम जो है इंग्लैंड के मेसन ने अपने वो पेटेंट करवाया है और उन्होंने ये हाउ डज कैंसर डेवलप ड्यू टू द इरन इन द सेल डिवीजन और द सम जेनेटिक चेंजेस कॉज द कैंसर कैन हैपन बिकॉज़ इरन दैट नंबर्स सेल डिवाइड सम टाइम्स हमारा मोटिवेशन क्या हम जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ठीक है और साथ में हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है ठीक है इसी के लिए इनको फ्रेंडली नहीं है इसीलिए जो है वो रिन्यूएबल सोर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ठीक है और सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक है और ये लंबे समय तक रहेगा इसका खत्म होने का कोई चांस नहीं है मतलब लंबे तक और साथ में ये जो है वो लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ सस्ता इसीलिए जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं ठीक हमारा जो जिसपे हम काम किए हैं वो है सोलर सेल सोलर सेल होता क्या सोलर सेल का काम है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है जिसको फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है हमारे अर्थ मतलब हमारे इंडिया में जितना लैंड है उसमें लगभग 5,000 ट्रिलियन किलोवाट पर ईयर जो है वो सनलाइट आता है इंसिडेंट होता है मतलब कि बढ़ता है और लगभग रोज जो है उससे 4-7 किलोवाट पर आवर जो है वो हम एनर्जी रोज जनरेट कर सकते हैं इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन प्लीट और फिर टाइम के पास कोल की डेंसिटी ज़्यादा होती है ठीक है तो यहाँ पे जो होता है डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो कंबाइन करके एक न्यूट्रल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं और इस तरह डिप्लेशन लेयर बनने के बाद जब सनलाइट इंसिडेंट होता है सोलर सेल पे तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कैनेटिक एनर्जी जो होता है वो बढ़ जाता है कैनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो है यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कैनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और इसके कारण यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ रहता है ठीक है क्योंकि इधर अगर जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो इधर नेगेटिव चार्ज आता है इधर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर रहता है जब सनलाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है इंटेलिजेंसी तो मतलब अपने तो अच्छा है बहुत हाई एफिशिएंसी है सर एक और आया उसको और अच्छा वो पता ही नहीं है वो नहीं पता हम वी हैव